तो जैसा कि आपने पिछली बार देखा था कि फ्रैंकलिन और शिनचैन बिल्कुल भिखारी बन चुके थे, तो उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे और घर घर में रहने के भी पैसे नहीं थे। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सोची पर उनको कुछ भी चीज़ नहीं मिली। तो फ्रैंकलिन रिक्शा चलाना चालू कर दिया था पर उसको रिक्शा में भी सफलता नहीं मिली। तो उसने कुत्ते को बचाया था, उसको कुत्ते को बहुत सारे जने मार रहे थे तो उसने उसको बचा लिया था। तो उसके जो मालिक ने हमें बहुत सारे घर गिफ्ट कर दिए थे और कार गिफ्ट कर दी थी बहुत सारी और बहुत सारा पैसा दे दिया था। तो उससे फ्रैंकलिन और शिनचैन बहुत ज़्यादा अमीर हो चुके थे, जो घर बहुत ज़्यादा तगड़ा था। तो अब देखते हैं आगे क्या करने वाले हैं शिनचैन, जो कि फ्रैंकलिन को कमाना है और वैसा उसको बिलियनेयर से बनना है ट्रिलियनेयर। तो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग, आप सबका स्वागत है GTA 5 की एक नई वीडियो में। मेरा नाम है फ्रैंकलिन और ये है शिनचैन। तो आपने पिछली बार देखा था कि हम बहुत पैसे वाले बन चुके थे, हमारे पास बहुत पैसा आ गया था, पर मैं इससे खुश नहीं हूँ। मतलब खुश हूँ पर आप देख सकते हो मेरी गोल्ड यहाँ पे लिमोजिन भी खड़ी है, पर मेरे को चाहिए और पैसा। मतलब हमको बिलियनेयर से ट्रिलियनेयर बन रहा है, क्यों शिनचैन? अरे फ्रैंकी भैया यार रुको तो सही, मुझे तो कुछ बोलने दो। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग, मेरा नाम है शिनचैन नोहारा और मेरी उम्र 5 साल है। हमें बिलियनेयर से ट्रिलियनेयर बनना है क्योंकि फ्रैंकी भैया को चाहिए और पैसा। हमको सारी की सारी गाड़ियाँ गोल्ड की करनी है, हमारे पास बहुत सारी है पर हमें और भी चाहिए। और हमें वो घर था वो थोड़ा छोटा लग रहा था, पर वो बहुत बड़ा था पर वो बहुत छोटा था। अबे शिनचैन क्या बोल रहा है? अरे यार रुको तो सरी, तो हमें और बड़ा घर चाहिए तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि फ्रैंकलिन भैया कैसे लग रहे हैं, इन्होंने आज ही नए नए कपड़े लिए हैं। हाँ शिनचैन अब मैं कुछ बोल लूँ? अरे हाँ बोल लो ना, किसने रोका है आपको? तो गाइस अभी हम जाने वाले मेरे दोस्त की पार्टी में। मेरा दोस्त नहीं दुश्मन है, वो दोस्त बनना चाहता है। उसने मुझे जैसे ही मेरे पास पैसा है तो उसने बोला चल अपन दोस्त बन जाते हैं। तो वो भी बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, तो फटाफट चलते हैं उसके पास उसकी पार्टी में, देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। क्यों शिनचैन चलेगा ना? अरे हाँ वेंकी भैया चलूंगा ना यार, वहाँ पे कौन कौन आने वाला है? देख वहाँ पे तेरी सारी दीदियाँ आने वाली है, जल्दी चल बैल बैठ। अरे हाँ जल्दी चलो, मैं दीदियों से मिलूंगा, मज़ा आएगा, चलो चलो चलो। तो गाइस मैं अपने ड्राइवर को भी लेके आ सकता था पर मुझे पसंद नहीं है, मैं खुद ही गाड़ी चलाऊंगा। शिनचैन ऊपर खड़ा होना था, उससे शिनचैन ऊपर खड़ा हो चुका है, मस्त आराम से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, एकदम बढ़िया सी गाड़ी है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है मोड़ने पर कोई बात नहीं, अपन चलाएंगे आराम से। ये यार एक तो यार थोड़ी धीरे चलानी पड़ती है इस कार को, ज़्यादा तेज चलती भी नहीं है वैसे ये। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं फटाफट से उसकी पार्टी में, जो कि बड़ी सी कार है तो उसको लगना चाहिए अपन के पास बहुत पैसा है। वैसे मैं ये भी कर सकता था कि अपने साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड उनको भी कारों में लेकर आ जाता था गोल्ड की, बट चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलो ऐसे चलते हैं। तो इसका आने वाला और ये सामने थोड़ा सा दिखने लग गया होगा आपको, बोट्स दिख रही होगी आपको, दूर पार से चल के दिखाता हूँ। ये देखो इसकी बोट्स खड़ी है बहुत सारी यहाँ पे, इसने अपना पूरा फेक ऐसे पूरा पानी जैसा बनवा दिया। ये देखो भाई कितनी बड़ी बोट है, ये इधर ही रहता है, इसका घर भी इधर। आपको दिखाऊंगा ना आप बिल्कुल ख़राब, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, इतना नीचे अंदर इतनी चीज़ें बनी हुई है, आपको दिखाऊंगा फटाफट से। पहले चलते हैं यहाँ पे, मैं गाड़ी कहाँ पे खड़ी करूँ? पहले आगे चल के गाड़ी खड़ी कर देते, इनको पता नहीं चलना चाहिए कि अभी मैं आया हूँ, मतलब मैं इस गाड़ी में आया हूँ, इधर खड़ी करेंगे आराम से, क्योंकि कोई ले भी जाए अपने को फ़र्क नहीं पड़ता। शिनचैन तो उधर खड़ा रहेगा क्या? अरे हाँ फ्रैंकी भैया यार पहले आप देख के आओ, अपने दोस्त से बात करके आओ। तो पहले इनको मैं दिखा देता हूँ स्नाइपर से इनका कैसा घर है। मैं तो सोच रहा हूँ शिनचैन अपन ने ना इनको ही मार के इसके मेरे जो दोस्त है जो बनना चाहता है उसको मार देते हैं और ये सारा अपन बोट अपन ले लेते, सबको मार देते हैं। ये देखो यहाँ पे बॉडीगार्ड्स भी बहुत सारे खड़े हैं। हाँ यार ये सही आइडिया है, अपन और ज़्यादा अपने पास पैसा भी आ जाएगा क्योंकि इसके पास वैसे ही बहुत ज़्यादा पैसा है अपने से। तो अरे हाँ फ्रैंकी भैया बिल्कुल सही आइडिया है, इसको मार दो, अपने पास और पैसा आ जाएगा, ये बोट में मैं रहूँगा, यहाँ पर रोज नाऊँगा, बहुत मज़ा आएगा। अबे सारे तो खुद के घर पे तो नाता नहीं है, इधर क्या नहाएगा? अरे वेंकी भैया यार सबको मत बताओ यार। क्यों नहीं बताऊँ? मैं तो बताऊँगा। अरे वेंकी भैया जाओ वरना आपको बता दूंगा मैं। क्या बताएगा? अरे वो आपकी बाथरूम वाली बात। अरे ठीक है ठीक है जा रहा हूँ यार, मत बोल यार ऐसे, ब्लैकमेल करता है एक तो यार तू मेरे को हर बार। यार अभी चलते हैं फटाफट अंदर, ये आइडिया बिल्कुल सही है, इन सबको ठोकेंगे पहले, थोड़ा अंदर चलेंगे उससे बात बात करेंगे फिर मारेंगे उनको। और हट रे, ये यहाँ पे देखो डस्टबिन भी लगा रखे हैं, वाह कितने गंदे डस्टबिन है, गोल्ड के मेरे घर पर गोल्ड के डस्टबिन है, गरीब सारा। चलो चलते हैं फटाफट से, और ये कार किसकी आ रही है, आराम से चलेंगे। देख चलते हैं यहाँ से ऊपर चढ़ जाते हैं। भैया अंदर आने का रास्ता कहाँ है? ये गरीब इधर किधर आ रहा है? अबे गरीब किसको बोल रहा है? अरे आप तो फ्रैंकलिन सर है। हाँ मैं वही हूँ फ्रैंकलिन सर, साले गरीब किसको बोल रहा है, मार दूंगा इधर ही। अरे सर आप पैदल आए हो एक तो, और वहाँ पे जो गाड़ी में रास्ता आता है, जो गाड़ी का रास्ता है वहाँ से भी नहीं आए हो। अबे क्या बोल रहा है पहले सीख तो ले। अरे सर वो मैं तो बोल रहा था पानी के ऊपर पानी है। अबे चुप रहे यार मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ से रास्ता था मैंने देखा नहीं, पर चलो कोई बात नहीं, चलते फटाफट उसके पास चलते हैं, मेरे दोस्त से मिलते हैं पहले, एक बार देख लेते हैं इसको कैसा है, मतलब पूरी बोट वोट और नीचे से भी देखेंगे एकदम बढ़िया से। यहाँ पे बॉडी गार्ड खड़े हैं, कुछ बोलेंगे तो नहीं, गाड़ियाँ कितनी सारी खड़ी, लगता है कोई पार्टी वार्टी चल रही है यहाँ पे, पर इसके पास वैसे भी इतनी गाड़ियाँ होती है, पर इसका ये इसका कलेक्शन नहीं है, इसका और बहुत तगड़ा कलेक्शन है। अभी चलते हैं पहले फटाफट देखते हैं अंदर इसका क्या चल रहा है।
यहाँ से चलते हैं। और ये देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं आराम से पानी में मजे कर रहे हैं। और यहाँ से मैं कूदा और ये गिर गया है, गया पानी के अंदर। ये नकली पानी है क्या? नहीं नहीं नकली पानी नहीं है, ज़्यादा गहरा नहीं है पानी, साइड उस साइड होगा, यहाँ पे नहीं है ज़्यादा गहरा। और मैं ऊपर क्यों नहीं चढ़ पा रहा? अबे कैसी सीढ़ियाँ हैं। तो अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पे मैंने देख लिया यहाँ पे ज़्यादा कुछ अच्छा खास नहीं है। यहाँ पे चलते हैं अपन ऊपर, जो ज़्यादा सभी बस पार्टी करे जा रहे हैं, सब दारू ही पे जा रहे हैं, कुछ है ही नहीं वहाँ पे। तो अभी अपन चलते हैं मेन जगह अपनी, तो चलते हैं मेरे फर्स्ट फ्लोर पे। और ये देखो ये इसकी कार्ड्स है यहाँ पे, ये एक कार देखो कितनी सारी कारें खड़ी हैं, बस ज़्यादा अच्छी नहीं है पर मतलब कार्ड्स है बस, इसको कार का ज़्यादा शौक नहीं है। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता इसके बाद प्लेन होंगे, पक्का होंगे बढ़िया बढ़िया। चलो देखते हैं कहाँ पे इसके प्लेन, और वो रही सामने प्लेन नहीं, यहीं पे ये। चलो चलते हैं यहाँ पे, इसकी कार देखो ज़्यादा अच्छी नहीं है पर कोई बात नहीं, अपन को क्या करना है, अपन ही ले लेंगे इसकी सारी कार। वहाँ पे सामने गोल्डन सबमरीन भी खड़ी है, यहाँ मेरे को पता है उसके पास गोल्डन सबमरीन भी है, सामने सामने खड़ी है, मस्त आराम से उसमें घूम सकते पानी में। और ये है यहाँ पे इसके पास गोल्डन जेट प्लेन, वाह खतरनाक। और नॉर्मल प्लेन भी है इसके पास, क्या बढ़िया लग रहा है गोल्डन प्लेन। तो इसके पास ये नॉर्मल प्लेन है, और इसके पास ये हाइड्रा का वो प्लेन भी है जेट जो होता है। और यहाँ पे भी कारें खड़ी है, यहाँ पे बहुत सारे प्लेन खड़े हैं मस्त मस्त। और यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे क्या है देखते हैं यहाँ। और ये कार कितनी मस्त लग रही है, और ये भी देखो कितनी बढ़िया कार है, इसके पास लगता है पुरानी पुरानी कार भी है बहुत सारी, ये भी बढ़िया कार लग रही है। ये देखते हो इसके पास देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें धंधे करता है फालतू के, इतनी सारे पैसा तो गलत धंधे करने से आता है। देखो दवाइयाँ पड़ी है, पता नहीं क्या क्या छोड़ना अपन को क्या करना है। यहाँ पे बाइक भी खड़ी है, इसमें चलते हैं थोड़ा और घूम के आते हैं। और देखो यहाँ पे कितना सारा पैसा पड़ा है भाई, यहाँ पे कितना सारा पैसा पड़ा है, अपन लेंगे नहीं पर अपने पास इससे ज़्यादा है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं है, मतलब जो यहाँ पे पड़ा था उससे तो ज़्यादा ही है। तो चलते हैं यहाँ से पहले आगे देख के आते हैं, यहाँ से पक्का प्लेन निकालने का होगा। हाँ यहाँ से प्लेन निकाल के बस यहाँ से उड़ाते हुए जाओ सीधा पूरे लॉस सैंटोस में, घूमो आराम से। पर यार इतना बड़ा बना रखा है यार, कितना बड़ा लग रहा है पूरे। देखो मेरे घर भी यहाँ पे, जो पुराना वाला घर था ना वो भी यहाँ पे आसपास में ही है मेरे। चलो कोई बात नहीं, अब चलते हैं। और यहाँ पे देखो नकली पानी कैसा लग रहा है, यहाँ पे बोट वोट है, इसने पूरा पानी मतलब डलवाया है, यहाँ पे पहले पानी नहीं था यहाँ पे, इसने पूरा पानी डलवाया, उसमें बोट खड़ी करवाई, पता नहीं क्या क्या करवा दिया इसने पैसों के लिए, मैं इसके पास इतना पैसा ही क्या करें। तो फटाफट से चलते हैं बिना टाइम पास करे, उसको मारने या फिर जो भी उससे मतलब पहले बात करते हैं, उसको मारना ही पड़ेगा भाई, मेरे को सारा चाहिए भाई। इसका प्लेन तो बहुत बढ़िया लगी मेरे को, और वो पुरानी वाली जो गाड़ियाँ थी ना वो भी बहुत तगड़ी थी। और मैं आ गया, वो सीधा इधर ही आ गया। एक तो ये लिफ्ट पता नहीं कैसी है, एकदम से अजीब सी। और बॉडीगार्ड क्या रहे तेरे, ए सर यहाँ से जाओ वरना मेरे को गुस्सा आ जाएगा। अबे ज़्यादा मत बोल, एक तू फालतू में ये यहाँ पे है क्या, कहाँ गया? अरे यहाँ ये रहा, अरे यहीं पर खड़ा है। और पप्पू क्या हाल है तेरे? ये पप्पू मत बोला। अबे तो क्या बोलो, तेरा नाम पप्पू ही तो है। अबे यार मेरा नाम पप्पू नहीं है यार, मेरा नाम तो मोंटू है। अबे तो मोंटू पप्पू एक ही बात है, देखो पहले तो पप्पू बुलाते थे ना सब। ये यार ज्यादा मत बोल, मेरे पास बहुत पैसा है, तेरे पैसा मुंह पे मारूंगा एक ही। अबे तू ज्यादा मत बोल, मेरे पास भी बहुत पैसा है। पर तेरे से ज्यादा मेरे पास पैसा, ज्यादा मत बोल। अबे एक तो तू यहाँ पे दोस्ती करने के लिए बुलाया है कि क्या करने के लिए बुलाया है? अरे हाँ सॉरी सॉरी, चलो अपन दोस्त है आज से। तो ठीक है बस दोस्त है, जाऊँ मैं अब? हाँ जा देख के आगे क्या है। अभी क्या है आगे देख के आता हूँ। अभी इस यहाँ पे देखो, अरे ये कैसा दीवार है भाई, ये क्या बनाया नहीं क्या अभी तक? अरे देख के अपना निकल यहाँ से। अबे निकल रहा हूँ ना, चले। ये पता नहीं कौन बैठी है यहाँ पे, लड़की होगी कोई इसकी दोस्त। ये देखो भाई कितना पैसा है इसके पास। पप्पू कैसा है तेरे तू? अरे बोल रहा ना पप्पू मत बोल। अबे ठीक है ना चलना है, अभी इसको बताते हैं। ये ज़्यादा बोल रहे हैं ना, इसकी ज़्यादा अकड़ आ गई, इसके पास ज़्यादा पैसा है ना। अभी इसको निकालते हैं अपनी गन और इसको यहीं पर सुला देते हैं फटाफट से। तो कौन सी गन से मारूं पहले सोच लेते हैं, एकदम बढ़िया वाली गन से मारेंगे इसको। पिस्तौल से मारते हैं सिंपल वाली से, ये वाली पिस्तौल से इसको सीधा ख़त्म करते हैं। पहले इसकी बीवी को मारूं क्या, बीवी मतलब जो भी है इसकी, इसको पहले इसको ही मारते हैं। चलो ये 1 2 3 बाय, ये गया। और इसके सारे जनों को मारना पड़ेगा, सारे बॉडीगार्ड मेरे को मारेंगे अभी। अबे देखो मैंने मार दिया उसको, किसी को होश ही नहीं भाई। वो पुलिस मेरे पीछे, पुलिस किसी पीछे पड़ गई। अबे ये, अरे बॉडीगार्ड भाग रहे हैं, ये क्या लगता है बॉडीगार्ड नहीं है यहाँ पे, साफ सफाई करने वाले हैं, ये भाग क्यों रहे हैं ये? अबे इनको मारते हैं पहले फटाफट, जल्दी जल्दी सबको मारते हैं, फिर यहाँ से सब करेंगे अपना कब्जा कर लेंगे सब। यार कोई गन चला रहा है, गन चला रहा है, कौन चला रहा है? अबे ये कुछ कर ही नहीं रहे मेरे को यार, अबे ये सब भाग क्यों रहे हैं, ये पागल हो गए तुम भाई? इनको मारना पड़ेगा ढंग से, बिल्कुल एकदम मारो मारो मारो, चलो मरते जाओ मरते जाओ मरते जाओ मरते जाओ मरते जाओ मरते जाओ। अभी मैंने अंदर से सबको मार दिया था, और बाहर पुलिस वाले आ चुके हैं, तो मेरे को पुलिस वालों को भी मारना पड़ेगा। पहले मैं शिनचैन के पास जाना पड़ेगा, मुझे जल्दी से कार अपनी अंदर डालनी है जल्दी, वहाँ पे पुलिस वाले वहाँ पे भी है लगता है, जल्दी से भागते हैं। शिनचैन जल्दी, मैं आ गया। तो वैसे भी आप देख सकते हो मैं पुलिस वाले को मारे जा रहा हूँ, शिनचैन नीचे गिर चुका है। शिनचैन जल्दी उठ यार। अरे वंगी भैया यार जल्दी इनको मारो यार, वरना मैं तो मर जाऊंगा यार इनकी गोलियों से। तो हाँ इनको मारता हूँ, ले इनको खत्म ही करना पड़ेगा। रुक मेरे पास एक आइडिया, रुको पहले इसको मारते हैं।
अरे मरा नहीं क्या? अरे मरना तो मैंने इनके साथ हाथ मिलाया था, इनको थोड़े पैसे दे देता हूँ ताकि ये जा सके यहाँ से। इस पुलिस वाले को दे देता हूँ पैसे। अरे सुन भाई, मैं नहीं मार रहा तेरे को। ए बच्चे, तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अबे बच्चा किसको बोल रहा है, चल निकल, रुक। वो मेरे को अच्छा लग रहा है, वो उसको वैसे बात करते हैं फटाफट से। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ मेन रीज़न कि हमने यहाँ पे ये क्यों लिया है। तो ये देखो भाई, इसके पास कितना पैसा है, ये देखो भाई, ये कितना कितना पैसा है इसके पास। गोल्ड भी देखो कितने में, पैसों में चल के जा रहा हूँ और मैं आगे जा भी नहीं पा रहा, आगे पूरा रास्ता ब्लॉक कर रखा है। इसके पास कितना पैसा है, और ये तो एक ही रूम है, यहाँ पे बहुत सारे रूम है। और ये देखो भाई कितना ही पैसा है, बहुत सारे रूम में उतना ही पैसा होगा। तो बराबर बाहर चलते हैं। तो भाई अभी मैंने बाहर आ चुका हूँ, आपको पूरा दिखा देता हूँ कि कितना ज़्यादा बड़ा है कि देखो भाई ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। इतना बड़ा अपने को एरिया मिल चुका है और अपन यहाँ पे ऐश करने वाले हैं। सारे पुलिस वालों को तो मैंने भेज दिया, देखो आराम से जा रहे हैं। और मेरी वहाँ पे लिमोज़िन भी खड़ी है, उसको वापस अंदर खड़ी करना पड़ेगा। और मैं अपने पुराने वाले घर में से भी सारी अपनी जो मस्त मस्त कारें हैं सब मंगवा लूँगा, और जितना ही पैसा वहाँ पर ही पड़ा है। और यहाँ पर अपना हेलीकॉप्टर भी है बढ़िया सा, और यहाँ पर सबमरीन जाने का। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, मैं आपको दिखा तो ये देखो अपनी गोल्डन सबमरीन वो रही। अभी इसके अंदर चलते हैं, देखो पहले आपको दिखा देता हूँ। ये देखो बिल्कुल गोल्डन है, इसके अंदर तो जैसे ड्राइव मार के आते हैं एकदम बढ़िया से। शिनचैन तो बाहर खड़ा ही है अपना। तो ये मैं बैठ चुका हूँ गाड़ी में, अब चलते हैं फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। अबे भाई ये मैं निकालूंगा कैसे, मेरे को चलाना नहीं आती पर सबमरीन। तो अरे कहाँ जा रही है, पीछे क्यों जा रही है? अबे अबे अंदर जा, पानी में जा। अबे अब आगे जा रही है, अंदर जा पानी में। अबे गई 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 गई, वो ठुक के अंदर ही चली गई अपने आप। और भी भाई यहाँ पे सामने से रास्ता था, तो भाई हम यहाँ से निकल चुके हैं और यहाँ सामने ठुक जाएगी। बच गई बच गई बच गई, आराम से भाई मेरे को चलाना नहीं आती। अरे 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 अरे, अरे भाई 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 ठुक गई ठुक गई। अबे यार ये क्या करूँ मैं, इसको कैसे निकालूँ? रुको पहले मैं बाहर निकालता हूँ सबमरीन को। तो गाइस अभी मैं बाहर आ चुका हूँ और ये सीधे चलते हैं पानी में। ये सबमरीन के अंदर ये भी पड़ा था सूट जो भी बोलते हैं उसको। और यहाँ पे देखो भाई एक बोट पड़ी है पूरी, और यहाँ पे एक मछली मरी पड़ी है, पता नहीं नकली, पता नहीं असली, समझ नहीं आ रहा। अरे 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 ये क्या हो गया? अबे बचाओ, ए बचाओ शिनचैन, कहाँ गया शिनचैन, बचा। अरे गाइस मुझे लगता है फ्रैंक भैया मुझे बुला रहे हैं। तो गाइस आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अरे फ्रैंक भैया आ रहा हूँ यार, लाइक कर देना। We'll be right back.